अगर आपके फ़ोन में भी इस तरीके का एक मैसेज आया है और उस मैसेज में ये एक प्रकार का मैसेज है और उस मैसेज में अलर्ट के साथ में अलर्ट के साउंड के साथ साथ वाइब्रेशन की भी चीज़ें अगर पाई गई हैं, उसमें लिखा होगा दिस इज़ ए सैम्पल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज एज नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। तो इसका मतलब यही है कि ये एक ब्रॉड जो आपकी डिपार्टमेंट है आपका टेलीकम्युनिकेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा ये मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज को पाकर आप कुछ भी ऐसा ना समझें कि आपके फ़ोन में कुछ गलत हो रहा है, कोई आपके फ़ोन को हैक कर रहा है, इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ये एक प्रकार का गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया मैसेज है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद में आप एंड में इसके बाद में आप आखिर में कोई भी कार्रवाई की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। जैसा कि इसके बाद इससे पहले ही, क्योंकि ये मैसेज आया है, इसके पहले ही आपके फ़ोन पर इस मैसेज के आने की सूचना गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी है, जो आप इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैसेज, देखिए आपकी जो हर घर तिरंगा नाम से है, इसके द्वारा ये मैसेज भेजा जा चुका है। सलाह दूरसंचार विभाग भारत सरकार एनडीएमए के साथ सेल ब्रॉडकास्ट का परीक्षण कर रही है। इसमें क्या होगा, आपको ध्वनि कंपन के साथ मोबाइल पर परीक्षण संदेश प्राप्त हो सकते हैं और ये संदेश परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है, वास्तविक आपात स्थिति का संकेत नहीं है। ठीक है, पहले बता चुकी है सरकार, इन पर आपकी ओर से किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो कुल कहने का मतलब है उस मैसेज को देखकर पाकर आप उसे डरे नहीं, ओके का जो उसमें ऑप्शन ओके कर दें, किसी भी चिंता की बात नहीं है। ये एक जानबूझकर भारत सरकार के अंडर में चीज़ें हो रही हैं, इसके बाद कोई भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।